अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप किसी भी फ़ोटो को PNG में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर PNG फ़ोटो के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दोस्त PNG फ़ोटो के बारे में ना जानते हों कि PNG फ़ोटो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, PNG फ़ोटो उसे कहते हैं कि किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को ख़त्म कर दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए, तो उसे PNG फ़ोटो कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप स्क्रीन पर यहाँ मूव होते हुए मेरे चंद फ़ोटो आप देख रहे हैं, इन सब को PNG फ़ोटो कहा जाता है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसके चंद फ़ायदे भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं फिर तो आप अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बनाते होंगे, तो फिर आपके पास भाई PNG फ़ोटो भी होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप अपने थंबनेल पर अपने PNG फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपने थंबनेल पर अपने PNG फ़ोटो ऐड किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एक फ़ोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो फिर तो भाई आप किसी भी फ़ोटो को PNG करके फिर अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड वहाँ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी PNG फ़ोटो के बारे में थोड़ी सी वजाहत, और अब हम सीखेंगे कि किस तरह आप किसी भी फ़ोटो को PNG में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, मगर इससे पहले मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यकीन करें कि आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो जी दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम सीखेंगे किस तरह आप किसी भी फ़ोटो को PNG में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और अपने फोटोज़ का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने मोबाइल पर गूगल को ओपन कर लेंगे, और अब हमने यहाँ पर क्या सर्च करना है कि हमने यहाँ पर टैप करना है रिमूव BG। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमें इस वेबसाइट के कीवर्ड नजर आ रहे हैं। चलो हम यहां पर ही इसको क्लिक करके सर्च कर लेते हैं। लो जी, अब गूगल पर इसकी पहली वेबसाइट आ चुकी है और अब हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। फिर यूं ही हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट चंद ही सेकंड में हमारे सामने ओपन हो जाएगी और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा नजर आएगा। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है और फिर इसके नीचे हमें यहाँ अपलोड इमेज का ऑप्शन नजर आएगा और हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारे मोबाइल पर सेव शुदा फोटोज यहाँ ओपन हो जाएंगे और हम यहाँ से अपने किसी एक फोटो को क्लिक करके मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक फोटो को मार्क कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे कि हम ऊपर कोने में डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारी ये फोटो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ सेकंड के बाद हमारी फोटो इस तरह PNG में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इस फोटो को अपने मोबाइल में सेव करना है, इसके लिए हम यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, लो जी, अब ये PNG फोटो हमारे मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, बल्कि अब ये फोटो हमारे मोबाइल में सेव हो चुका है। और इस तरह आप भी अपनी किसी भी फोटो को PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब दूसरे नंबर पर अगर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ इस फोटो के ऊपर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये फोटो दोबारा यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी और कुछ सेकंड के बाद हमें इस फोटो के नीचे बहुत से बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत और वंडरफुल बैकग्राउंड होंगे। चलो हम यहाँ पर किसी बैकग्राउंड को क्लिक कर लेते हैं, और जैसे हम नीचे किसी बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारी फोटो का न्यू बैकग्राउंड भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इन बैकग्राउंड पर क्लिक कर रहा हूँ और वैसे ही बैकग्राउंड मेरी फोटो के पीछे आ जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसको भी सेव कर लेते हैं, मगर इसको सेव करने के लिए यहाँ पर कुलिया कुछ और होगा, और वो
खुलिया ये है कि अब इस बार ऊपर कोने में नजर आने वाले डाउनलोड के आइकन पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये फोटो भी हमारे मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लो जी, दोनों ही फोटो मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी किसी भी अपनी फोटो को इस वेबसाइट के जरिए पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।